हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गोविंद सिंह स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल GSK में। दोस्तों, Xiaomi कंपनी भारत के बाजार में अपना एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों, बजट सेगमेंट में कंपनी का ये नया फोन होगा जिसका नाम है Redmi 5। दिल्ली में दोपहर 3 बजे में एक प्रोग्राम के दौरान इसे लॉन्च करेगी। इस फोन को ई कॉमर्स वेबसाइट amazon.in और amazon.com और MI के हॉट स्टोर पर खरीदा जा सकता है। दोस्तों, Xiaomi इस कंपनी को पिछले साल चीन में पेश कर चुकी है। दोस्तों, वहां इसे काफी सफलता मिली है। इस फोन में एंड्रॉइड 7.0 नुगा ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है और इसे नैनो डुअल सिम सपोर्टेड भी दिया गया है। रेडमी 5 720x1440 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 5.7 इंच की HD डिस्प्ले है। इसे क्वालकम स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। फोन में 2GB, 3GB और 4GB के विकल्प दिए गए हैं। इस फोन में इंटरनल स्टोरेज में 16GB और 32GB का विकल्प दिया गया है। दोस्तों, Redmi 5 LED फ्लैश लाइट के साथ 12MP का रियर कैमरा और सेल्फी लाइट के साथ 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। दोस्तों, इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 3300mAh की फुल बैटरी दी गई है। दोस्तों, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह फोन Redmi Note 5 के समक्ष होगा और इसकी कीमत भी इसी के बराबर होने की उम्मीद है। वहीं कई रिपोर्टर ने फोन की कीमत 8000 रुपए के आसपास होने का दावा किया है। दोस्तों, अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ।